गुड इवनिंग बच्चों, मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सातवीं क्लास का हम लोग आठवीं लेसन पर थे, मदर टेरेसा, जिसके एक्सरसाइजेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सरसाइजेस में हम पेज नंबर 62 पे आते हैं। इसमें एक सेंटेंस जंबल्ड करके लिखा हुआ है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो चलिए हम देखते हैं। इसमें देखिए, पहला है loved is and respected she, तो इसको हमको सही क्रम में लिखना है। तो ब्लैक बोर्ड पे आप देखिए कैसे लिखा गया है इसको, she is loved and respected, she is loved and respected, यानी वो प्रेम और आदर की जाती थी, यानी लोगों के द्वारा प्रेम और आदर की जाती थी। दूसरा देखिए, इसमें जंबल करके लिखा हुआ है, सर्विस सिंबल मदर टेरेसा बिकम हैज अ ऑफ, तो इसको हमको सही क्रम में लिखना है। कैसे लिखेंगे, मदर टेरेसा हैज बिकम अ सिंबल ऑफ सर्विस, यानी मदर टेरेसा सेवा का सिंबल बन गई थी, यानी एक प्रतीक बन गई थी, सेवा की प्रतीक बन गई थी मदर टेरेसा। थर्ड देखिए, मदर टेरेसा हैज स्टार्टेड सेंटर्स फॉर लेपर्स, यानी मदर टेरेसा के द्वारा शुरू किया गया, आरंभ किया गया लेपर्स के लिए सेंटर्स, केंद्र स्थापित किए गए, जो कुष्ठ रोगी थे उनके लिए कई केंद्र शुरू किए गए। फिर देखिए चौथा, पोप विजिटेड हर वंस, इसको भी इसमें उल्टा सीधा लिखा हुआ है, आपको सही करके लिखना है, पोप विजिटेड हर वंस, यानी एक बार पोप उनसे मिलने आए। तो ये इस तरीके से हमको सेंटेंस बनाना है बच्चों, आप देख लेंगे इसको बढ़िया से। नेक्स्ट है C1, मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है आपको ए और बी कॉलम को। तो इसमें देखिए, मिशन क्या होगा, डी होगा इसका, डी आप लगाइए देखिए, जिसमें है मिशन क्या होता है, सेंटर्स फॉर हेल्पिंग द होमलेस एंड नीडी, क्या होते हैं वो केंद्र होते हैं जो कि जो बेघर होते हैं, जिनके घर द्वार नहीं होते हैं, और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी हेल्प करने के केंद्र होते हैं ये। उसके बाद देखिए स्लम क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ, मैंने बताया था बच्चों, झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ की गंदगी होती है, लोग रहते हैं फिर भी वहाँ पर। तो यहाँ देखिए सी होगा इसका, एन एरिया ऑफ अ सिटी वेयर हाउसेस आर डर्टी, यानी एक सिटी का वह क्षेत्र जहाँ पर कि घर बहुत ही गंदे होते हैं, स्लम कहते हैं। तीसरा देखिए डाइटी यानी गॉडेस देवी, तो बी होगा इसका। चौथा है लेपर, यानी जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको लेपर कहते हैं, और कुष्ठ रोग को लेपरसी कहते हैं, कुष्ठ रोग रोगी जो होते हैं उनको लेपर कहते हैं। तो क्या होगा इसका, ई होगा बच्चों, पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेपरसी, जो वह पर्सन जो कि लेपरसी से पीड़ित हो, यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, उसको लेपर कहते हैं। पांचवा है पेशेंट किसको कहते हैं, रोगी को, जिसको कुछ कोई रोग हो गया हो, तो इसका ए होगा, वन हु इज़ अंडर ट्रीटमेंट, वह जो कि देखरेख में हो, ट्रीटमेंट यानी यहाँ उसका इलाज चल रहा हो, तो उसको हम पेशेंट कहेंगे। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको कि सही करके लिखना है, इसमें गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। जैसे पहला है तंजानिया हम कैसे लिखेंगे, यहाँ जो जी लिखा हुआ है वो जेड होगा, तंजानिया। लिविंग है ये, LIVING, लिविंग, ये स्पेलिंग होगी। फिर मिशन भी गलत लिखा हुआ है, MISSION, मिशन। उसके बाद नोबल प्राइज ZE होगा, नोबल प्राइज। उसके बाद हैप्पीली डबल पी होगा, ILY, हैप्पीली। तो ये इसके स्पेलिंग से बच्चों, आशा है कि आप इसके एक्सरसाइजेस को समझ गए होंगे। मैं इसको आपको PDF में भी इसके क्वेश्चन आंसर्स में भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं WhatsApp से। टिल देन गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे।